जन की भागीदारी, स्वच्छ भारत अभियान हम सबकी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हमारी हमारी जिम्मेदारी, नुक्कड़ कहे पुकार जिम्मेदार बन जिम्मेदार। अरे देख तो गांव में कितनी सफाई है, अब ना मलेरिया रहा ना फलेरिया रहा, कोई बीमारी ही ना रही, हमरे जच्चा बच्चा सब सुरक्षित है। और भैया ये सब तो इस स्वच्छता अभियान के कारण ही हुआ जो इतने सारे शौचालय खुले। हाँ मुखिया जी, ये तो आपकी ही बदौलत हुआ है। अरे हमारी बदौलत कहाँ, इसलिए तो सभी गांव वाले मिलकर पहल किए हैं। अभी तो वही बात हो गई, सरकार तो हमारी मदद के लिए तैयार है ही, और जब हम सभी गांव वाले मिलकर पूरा जोर लगाकर कुछ करें और वो काम पूरा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकत है। यही तो है जन भागीदारी की, जन जन मिलकर हमें इसे और आगे बढ़ाना। एकदम ठीक कहत हो मुखिया जी, जो देश में 90% शौचालय बने हैं उसे 100% करने के लिए और प्रचार प्रसार करना होगा, जन जन को बताना समझाना होगा। एकदम ठीक बोला भैया, अब हम और प्रयास करेंगे। जन जन की भागीदारी, शिक्षा का हो प्रसार, जीवन से दूर हो अंधकार, अब हम हैं पूरे तैयार। हम सबकी है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हमारी हमारी जिम्मेदारी, नुक्कड़ कहे पुकार जिम्मेदार बन जिम्मेदार। दादू ओ दादू, घर में क्यों छिपे हो, चलो जल्दी बाहर। जानते नहीं हो क्या कि वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों की जान चली गई है, मुझे अभी नहीं मरना है, मैं नहीं लूंगा कोई वैक्सीन वैक्सीन। ओहो दादू, लाखों लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोग वैक्सीन ले चुके हैं और स्वस्थ भी हुए हैं, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। सुनो बच्चों, कोरोना से बचना है, स्वस्थ रहना है तो वैक्सीन की क्या जरूरत। गौ माता की पूजा करो, देवता पितर हमें बचाएंगे, फिक्र न। वाह क्या बात है, फिर खांसी सर्दी बुखार एक्सीडेंट मलेरिया आदि, इन सब के लिए क्यों जाते हो डॉक्टर के पास, क्यों उनकी दवाई और इंजेक्शन लेते हो, और ठीक भी तो हो जाते हो ना, आपके देवता पितर क्यों नहीं ठीक कर पाते हैं? वो सब हम नहीं जानते। चलो मान लिए तुम्हारी बात ठीक है, तो क्या तुम भूल गए कि शर्मा जी का काल हाल हुआ था वैक्सीन लेने के बाद? क्या हाल हुआ था दादू? वैक्सीन लेने के अगले दिन ही उन्हें तेज बुखार हो गया और पता चला कि उन्हें कोरोना हो गया है। अच्छा, शिक्षा तो आंखें खोल देती है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, अब तो हम वैक्सीन भी लगवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दादू ये सब अंधविश्वास अफवाह है और कुछ नहीं, मिश्रा जी की मौत लंबी चल रही बीमारी से हुई है, इसीलिए कहा था दादू कि उम्र का ध्यान ना देकर इस उम्र में भी यदि थोड़ा पढ़ लिख लोगे तो यूं किसी अफवाह अंधविश्वास के शिकार में आकर अपना नुकसान नहीं करोगे। तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर देश को गर्व, ये तुम्हारे दादाजी नहीं हैं, फिर भी तुमने इन्हें समझाने में अपनी भागीदारी निभाई है, यही कारण है कि इन अंधविश्वासों से जनता को बचाने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान जारी किया है।